स्नैपड्रैगन मीडियाटेक, एप्पल की बायोनिक और एक्सिनोस प्रोसेसर। लेकिन 2024 में इनमें से बेटर चिप आपके फोन के लिए कौन सी हो सकती है और कौन सी कंपनी किस तरीके की काम कर रही है, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले स्नैपड्रैगन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन के जो नए प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 उसके ऑलरेडी फोन मार्केट में आ चुके हैं, जैसे की iQOO 12 के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, फिर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा देखने को मिला जिसने स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी जो की स्पेशली चिप थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्वालकॉम ने बनाया सैमसंग के लिए, जो की हल्का सा ओवरक्लॉक्ड है क्योंकि सैमसंग और क्वालकॉम की डील 3 साल की थी। तो पिछले साल भी स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी था, इस साल भी है और अगले साल भी स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी होगा। इससे आपको पता लग सकता है कि क्वालकॉम अभी भी स्नैपड्रैगन का सब 1 साल और छोड़ देने वाली। लेकिन बात करें तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की खास बात यह कि यह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एंड्रॉइड में अगर फ्लैगशिप लेवल का फोन लेना है और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए, स्नैपड्रैगन से बेटर प्रोसेसर नहीं हो सकता, खास तौर पे 8 जेन 3 के बारे में बात करें। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की खास बात सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती, इमेज सिग्नल प्रोसेसर पे काम किया जाता है जिस कारण से इमेजेस का आउटपुट पे काम होता है। इसके साथ ही सबसे बेहतरीन 5G मोडेम्स अगर आपको देखने को मिलेंगे वो क्वालकॉम के फ्लैगशिप प्रोसेसर में है। और एक वन ऑफ द कोर फीचर जो इस साल हमें देखने को मिला है ना वो है AI का, और अभी से गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से कुछ कुछ AI की चीजें आपको देखने को मिलना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें फोन के अंदर होती हैं और कुछ चीजें फोन के बाहर होती है, लेकिन AI एक ऐसा डोमेन है जहां पे क्वालकॉम अभी भी काम कर रहा है और AI वाले फीचर्स को यहां पे बेटर करने में लगा है। तो चलो स्नैपड्रैगन के 8 जेन 3 की बात कर ली, लेकिन बाकी होगा क्या? देखो खास तौर पे बात की जाए तो लास्ट ईयर का 8 जेन 2 है वो भी आपको इस साल के फोन्स में देखने को मिलेगा, OnePlus के 12R में ऑलरेडी आ रहा है और अपकमिंग iQOO Neo 9 Pro में भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है और मार्केट में जितने भी प्रोसेसर मौजूद है उनमें काफी सॉलिड चॉइस हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो आपको ISP मोडेम्स वो सब अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन पता है प्रॉब्लम स्नैपड्रैगन के साथ कहां पर है? यार जो बीच के 7 सीरीज 6 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना वहां पे वो कमाल नहीं दिखा पा रहे, खास तौर पे बात करें स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 की। देखो 7 Plus Gen 2 कमाल का प्रोसेसर है, लेकिन दुख की बात है कि मार्केट में सिर्फ एक ही फोन में वो आया और उसकी परफॉर्मेंस कुछ हद तक स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 को मीट कर रही थी। इवन जो लेटेस्ट 7 Gen 3 हुआ है लॉन्च वो भी 7 Plus Gen 2 से नीचे है, और जो हाल ही में 7S Gen 2 भी आपने देखा है ना उसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्नैपड्रैगन 778G का बड़ा भाई। क्वालकॉम ने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया लाइनअप की हर बार एक नया नंबर नया प्रोसेसर होगा, क्या वो पुराने वाले से बेटर होगा ये हमेशा जरूरी नहीं है। इवन बात तो तब थोड़ी बिगड़ जाती है जब 6th Gen 1 यहाँ पे आता है। 6th Gen 1 प्रोसेसर के साथ भी यहाँ पे फोन अगर आने वाले समय में आए तो आ सकते हैं, लेकिन 20,000 के आसपास की इसकी रेंज हो सकती है और 15,000 रुपए के अंदर स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 है उसके भी कुछ चुनिंदा फोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुल मिला के बात है कि जो बजट प्रोसेसर होते हैं ना यार वो उतने ज्यादा सॉलिड लगते नहीं है स्नैपड्रैगन के, जो फ्लैगशिप में जितना मजा देता है ना उतना वजह जो बजट और मिड रेंज प्रोसेसर होते हैं ना वहां से थोड़ा मिसिंग है। लेकिन यही कहानी यहाँ पे चेंज हो जाती है मीडियाटेक के साथ। मीडियाटेक के साथ उल्टा केस है, मीडियाटेक हमेशा कोशिश करता है स्नैपड्रैगन से लड़ने की और इस बार डिमेंसिटी 9300 भी यही सोच के बनाया कि यार इस प्रोसेसर के अंदर हम लोग स्नैपड्रैगन को किल कर देंगे। बात बिल्कुल सही हो जाती, इस बार फास्ट परफॉर्मेंस कोर को यूज कर रहे हैं, AI की टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है, 5G मोडेम, ISP हर जगह काम किया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ कि ऑन पेपर ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन से बेटर होता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में कंपैरिजन किया जाता है तो ये प्रोसेसर हल्का सा पीछे ही रहेगा। और मीडियाटेक के साथ बात यहाँ पर ये है कि इस बार ज्यादा परफॉर्मेंस के चक्कर में बैटरी लाइफ पे सैक्रिफाइस है, तो अगर आप जो भी फोन यहाँ पे डिमेंसिटी 9300 के साथ देखेंगे उसके अंदर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी डाल के देंगे कंपनी वाले, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे बैटरी ड्रेन ज्यादा है। और आप मान के भी रख सकते हैं कि डिमेंसिटी 9300 के साथ आपको ज्यादा फोन मार्केट में देखने को मिलेंगे भी नहीं, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वीवो का फोन आ जाएगा, एक ओप्पो का फोन आ जाएगा, इसके अलावा दूसरी कंपनी इसके पीछे पड़ेंगे भी नहीं। लेकिन वही बात करें जब मिड रेंज प्रोसेसर आते हैं ना डिमेंसिटी 8000 सीरीज के 7000 सीरीज के, वहाँ पे कहानी काफी अच्छी है। वहाँ पे वो प्रोसेसर ऐसे जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से लड़ सकते हैं, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा उसकी परफॉर्मेंस कुछ हद तक 8 प्लस जेन 1 को मीट कर रही है। ऐसी डिमेंसिटी 7200 30,000 रुपए के अंदर मिले एक अच्छा प्रोसेसर है, आपको डिमेंसिटी 7050 हो गया 7080 हो गया 20 से 25,000 की रेंज कवर कर सकते हैं, और अंडर 20,000 में आपको डिमेंसिटी 6100 प्लस देखने को मिल सकता है। कुल मिला के बात किया तो मीडियाटेक ने डिमेंसिटी की नेमिंग स्कीम को अब चेंज कर दिया, जहां पहले डिमेंसिटी 700 800 900 आते थे अब क्या कर दिया, जो बिल्कुल ही बजट सीरीज होगी वो 6000 से शुरू होगी, जिसके ऊपर लगभग आपको 15,000 या उससे कम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया कि 5G कैपेबिलिटीज, ISP इन सब पे काम किया,
इसलिए 15,000 रुपए के नीचे का भी अगर MediaTek Dimensity का फोन अगर आप देखेंगे तो भी इसमें अच्छी 5G परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। जहाँ Qualcomm थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइनअप कर देती है कि कोई प्रोसेसर अच्छा कोई प्रोसेसर खराब है, MediaTek ने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रखा हुआ है, कुछ पुराने प्रोसेसर को 6000 सीरीज में रीब्रांड किया, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी है, लेकिन बेसिकली बात की जाए तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। जो मिड रेंज वाला काम है वहां पे Qualcomm को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है MediaTek ने, जिस कारण से MediaTek का जो मार्केट शेयर है स्मार्टफोन स्पेस में इंडिया में वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन बात कर तो जो इम्प्रूवमेंट अभी भी हो सकता है वो हो सकता है फ्लैगशिप कैटेगरी में। फ्लैगशिप में MediaTek बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाया। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा एप्पल के A17 Pro Bionic की। एप्पल की कहानी बहुत अलग थी, उन्होंने रिसेंटली 3nm के साथ iPhone 15 Pro, 15 Pro Max में A17 Pro Bionic को इंट्रोड्यूस किया और बाकी जितने भी फ्लैगशिप प्रोसेसर अभी हमने देखे MediaTek Dimensity 9700 या Snapdragon 8 Gen 3 ये सब के सब बेस्ड है 4nm की टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि जो 3nm वाला प्रोसेसर होता है उसका 80% जो स्टॉक होता है ना TSMC ने वो एप्पल ने अपने लिए ले लिया और उसके लिए आईफोन का प्रोसेसर बनाएगी, मैकबुक के लिए बनाएगी, लेकिन वो चीज एप्पल के पास आ गई। और बात यहाँ पे यही खत्म नहीं हो जाती, अपकमिंग 2025 में जो 2nm आएगी वो भी सबसे पहले आपको एप्पल की तरफ से ही देखने को मिलेगी। हालांकि एप्पल के प्रोसेसर ऑन पेपर स्नैपड्रैगन से पीछे हो जाते, इवन बेंचमार्किंग रिजल्ट में भी मैंने देखा है कि A17 Pro Bionic फिर भी पीछे हो जाता है। एप्पल के आईफोन एप्पल को पता लंबे समय तक चलते हैं और उसको अपने फोन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता रहे और स्टेबल परफॉर्मेंस मिले, इसलिए वो उसके ऊपर जाते हैं। और जहां पर बात आती है परफॉर्मेंस की तो उन्होंने यहाँ पे रे ट्रेसिंग के ऊपर काम किया है, काफी सारे कंसोल गेम को आईफोन के ऊपर चला रही है। लेकिन सिंपल सी बात है कि एप्पल बायोनिक अच्छा है और वहां पे वो प्रोसेसर बनाता रहेगा, लेकिन अगर आपको उसका यूज करना है तो आपको आईफोन यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिना आईफोन के आप शायद उसको यूज ना कर पाए। खैर एप्पल बहुत अच्छा कर रही है, अपनी जगह अच्छा काम कर रही है और बाकी जितनी भी कंपनीज है यार वो बेंचमार्किंग में एप्पल को टक्कर तो दे ही रही है यहाँ पे एटलीस्ट, अब बाकी जगह भी टक्कर दे तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग की एक्सिनोस की। देखो सैमसंग की एक्सिनोस के साथ बचपन से प्रॉब्लम एक ही थी, उसके अंदर ओवरहीटिंग होती थी, इसके साथ ही बैटरी ड्रेन ज्यादा था, गेमिंग की भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, कुछ ज्यादा खास था नहीं। लेकिन इस साल एक्सिनोस 2400 के अंदर चीजें बहुत बदल गई है। इस बार रिपोर्ट आ रही कि इतनी ज्यादा ओवरहीटिंग भी नहीं हो रही, बैटरी ड्रेन को कंट्रोल कर लिया है, ऊपर से परफॉर्मेंस भी अब उस लेवल की निकाल कर दे रहे हैं जिसकी आपको स्नैपड्रैगन से एक्सपेक्टेशन रहती है। ऊपर से स्नैपड्रैगन के अंदर जो AI फीचर्स आए थे कुछ कुछ वैसी चीजें भी Exynos ने यहाँ पे बिल्ड करी है। और तो और बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पे AMD का जो Eclipse GPU था वो Exynos के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे गेमिंग की परफॉर्मेंस भी बेटर हुई है और जो कुछ रे ट्रेसिंग गेम्स आते हैं ना वहाँ पर 8 Gen 3 से भी बेटर निकाल रहा है। Exynos अब पहले जैसा रहा नहीं और उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट आया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी 2400 को ही हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफी लंबे समय तक पिछले 2 साल से Exynos सैमसंग अपने फ्लैगशिप में नहीं लाया, अब दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया इस उम्मीद में कि इस बार Exynos यहाँ पे चल सकता है और काफी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया। हालांकि ये देखना है कि सैमसंग के जो बजट और मिड रेंज फोन जिनमें Exynos आता है अगर वहां पर भी अगर ऐसे इंप्रूवमेंट है तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो क्या किस रेस में आता है, देखो फ्लैगशिप की बात करें तो अभी भी मैं कहूंगा कि स्नैपड्रैगन बेटर रहेगा, Exynos थोड़ा सा पीछे रहेगा और ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी Exynos के लिए कमबैक यहाँ पर एक ईयर हो सकता है 2024। इसके बारे में हम ज्यादा बात तब कर पाएंगे जब इसके जो फोन से मार्केट में बहुत सारे आ जाए, काफी पॉपुलर हो जाए। लेकिन अभी के समय बात करेगा सैमसंग को अगर मेरे को प्लेस करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं टॉप पे स्नैपड्रैगन को रखना चाहूंगा 8 Gen 3, फिर Dimensity 9300 को और उसके बाद Exynos 2400 को यहाँ पे रखना चाहूंगा। ओवरऑल बात करी जाए तो ये एक स्टेप होता है आज के समय मोबाइल फोन SoC का, स्मार्टफोन के प्रोसेसर में बदलाव आ रहे हैं और इस साल हम और भी नए प्रोसेसर के बारे में सुनेंगे। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर है। थैंक यू, देखने के लिए मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट फोन के अंदर। गुड बाय।